घोषणा थी जिसके तहत प्रत्येक पृथक से एक अथॉरिटी की गठन की घोषणा करता हूं। बजट घोषणा है मुख्यमंत्री जी की, मेरे बजट की बजट की कॉपी लाया हूं। घोषणा करता हूं ताकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा सके। मिलावटी पदार्थों की जांच करते प्रत्येक जिले में लैब का गठन किया जाएगा। हमने काफी जिलों में कर दी, बाकी होगी इस वर्ष हम सभी जिलों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जहां लैब नहीं हो। प्रक्रिया होती है, भारत सरकार के लैब की परमिशन लेनी पड़ती है, आप तो जानते हैं। इसे निश्चित रूप से अभी चूरू और जालौर की है, वो भारत सरकार से परमिशन के लिए भेजी है। जब तक भारत सरकार उसकी परमिशन नहीं देगी तब तक उस लैब को हम चालू नहीं कर सकते हैं, ये कानूनी प्रावधान है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारी जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा है, प्रत्येक जिले में लैब की स्थापना होगी। इसी वर्ष, इसी वित्तीय वर्ष में हम सारे जिलों में लैब की स्थापना कर देंगे। कटारा जी, महोदय मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने कहा कि हमने 22,763 जो सैंपल लिए उसमें से कोई भी पेंडिंग नहीं है, तो सरकार इसके लिए धन्यवाद। पर आप ये बता दो, इन सैंपलों का जो टेस्ट हुआ उसमें नेगेटिव कितने थे, पॉजिटिव कितने थे? अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आए, उनका भी विवरण मैंने दिया है। निश्चित रूप से जो हमारे 19 में धारा 51 के जो पाए गए अमानक, उनका रिकॉर्ड भी मैंने आपको दिया है, निश्चित रूप से आप देखें। ये नहीं है, अजमेर में अशुद्ध पाए गए 59, कुल जो है अशुद्ध पाए गए न्यायालयों में पेश किया हमने 918 ACJM में, ADM के यहाँ 468 किए हमने ACJM के यहाँ, और निश्चित रूप से सब में पेनल्टी हुई। 1 करोड़ से भी अधिक पेनल्टी न्यायालयों ने, विभिन्न न्यायालयों ने किए, हमने सबके चालान समय पर किए हैं, निश्चित रूप से उसकी जांच होकर चालान किए। ये विवरण आपको नेता प्रतिपक्ष चाहेंगे तो मैं आपको एक कॉपी दे दूंगा। निश्चित रूप से 1 करोड़ से भी अधिक राशि पेनल्टी के रूप में वसूल की है। लंबा हो जाएगा प्रश्न, पर आज पहली बार उपनेता सही प्रश्न नहीं पूछ पाए। 2021 के बजट की 22 की इसमें सैंक्शन निकली है, ये प्रश्न होना चाहिए। अगला प्रश्न श्री बाबूलाल, आप 10 मिनट हो गया, प्लीज आप। मैं आपकी मेहरबानी चाहता हूँ, हमने यही पूछा है कि इन्होंने कहा आपको दिया, आप भी दे मुझे आपके माने आपने पूछा भी नहीं है। प्लीज राजेंद्र जी, प्लीज अगला प्रश्न बाबूलाल, आपने पूछा नहीं है, डोंट कम। प्रश्न संख्या 213। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी, हाँ, विधानसभा क्षेत्र जाडोल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप लागू है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित इकाई तहसील पटवार में अधिसूचित फसलों में क्रमशः 16 व 4 फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज और औसत की तुलना पूर्व निर्धारित गारंटी उपज से की जाकर अनुपातिक क्षति के आधार पर बीमा क्लेम संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जाडोल विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 2019 अब तक निम्न प्रकार का बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। करीब 2019 1,122 वितरित बीमा क्लेम है 55,60,000 रुपये। रवि 2019-20 में लाभान्वित फसल बीमा पॉलिसी 434 12 लाख रुपये। करीब 2020 लाभान्वित फसल बीमा पॉलिसी 16,07,630 रुपये। रवि 2020-21 लाभान्वित फसल बीमा पॉलिसी 616 वितरित बीमा क्लेम 21,14,000 रुपये। करीब 2021 13,505 पॉलिसियाँ सर्जित हुई है, बीमा क्लेम गणना प्रक्रियाधीन है। रवि 2020-21 फसल मौसम सत्र जारी है। 21-22 माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि जाडोल विधानसभा पूरा ही किसान है, और आपने जो ये पॉलिसी की है, ये जो आपने शनिवार बताया है, और बहुत कम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितने किसानों ने अपने पॉलिसी के लिए प्रीमियम जमा करा दिया, और उसके अगेंस्ट राज्यांश और केंद्रांश कब कब कितनी राशि कब कब और कितनी कितनी राशि जमा हुई,
और कितने किसान प्रश्न प्रश्न रिलेवेंट जो पूछा उसके सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने ये जो 21 में आपने बताया कि 13,505 पॉलिसियां सर्जित हुई, अभी तक बीमा क्लेम की गणना हो रही है, तो अभी ये पूरा ये गर्मी आने वाली है, तो ये गणना कब तक पूरी करोगे और इसमें कौन कौन लोग लगे हुए ये बता दो। अध्यक्ष महोदय, 13,555 जो पॉलिसियां सर्जित हुई है उसमें 571 बीमा पॉलिसी धारक बीमा क्लेम के योग्य पाए गए, 571 बीमा पॉलिसी धारक, और उनका टोटल आंकलन हुआ है कुल राशि 4,51,434 रुपये। ये जो आपने 2021 का पूछा उसके लिए बताओ। कटिया जी, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि खरीबी 13,550 पॉलिसी सर्जित हुई, इसमें राज्यांश और केंद्रांश सबका जमा हो गया था क्या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सही सवाल पूछा सर, इसकी मैं भी जानकारी देना चाहूँगा कि झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2021 हेतु कुल देय प्रीमियम आकलन लगभग 45 लाख रुपये, इसमें 20 लाख रुपये राज्यांश है, 5 लाख रुपये किसानों की हिस्सा राशि है और 20 लाख रुपये भारत सरकार को देने। माननीय 4 दिन पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ये वही कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इसने 7 जिलों का काम ले रखा है और ये किसी भी जिले में विभाग को कोऑपरेट नहीं कर रही। माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूँगा कि मैं लगातार खुद संपर्क में हूँ, मैंने 4 दिन पहले भी कैलाश चौधरी जी जो अपने राजस्थान से हैं उनसे वार्ता की टेलीफोन पे, कल उन्होंने अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाई और जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी के कोई वरिष्ठ अधिकारी थे, आज सुबह मेरी फिर दोबारा उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि 4 दिन का मैंने समय दिया है, वो लोग आपके पास आएंगे जयपुर या मीटिंग करेंगे, जो भी आपकी जितनी भी सूचनाएं उनके पास भी पत्राचार जा रहा है अपने यहाँ से, राज्य से जितने जनप्रतिनिधि हैं जो प्रभावित जिले हैं उनके यहाँ से पत्राचार हुआ है, तो क्या मुझे इसकी जानकारी है। 4 दिन का समय उनको दिया, पर मैं उन्होंने मुझे कहा कि आप 7 दिन का समय ले लें और 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि और भी जिलों का मामला है, ये इंश्योरेंस कंपनी पहले सही काम कर रही थी पर इस बार पहली बार ही हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही, ये बात भारत सरकार की जानकारी में भी है और हम लगातार प्रयासरत हैं 1 महीने में जितने भी जिलों के मामले हैं वो सल्टा दिए जाएंगे और किसानों को पेमेंट कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, जोराराम कुमावत। प्रश्न संख्या 214। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में सहायक अभियंताओं के कुल स्वीकृत 8 पदों में से 8 पद तथा कनिष्ठ अभियंताओं के कुल स्वीकृत 8 पदों में से 5 पद वर्तमान में रिक्त हैं। जिला पाली में सहायक अभियंताओं के कुल स्वीकृत 42 पदों में से 32 पद तथा कनिष्ठ अभियंताओं के कुल स्वीकृत 32 पदों में से 15 पद वर्तमान में रिक्त हैं। विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर एवं जिला पाली में सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं के कुल स्वीकृत पदस्थापित एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए एवं परिशिष्ट बे पर है संलग्न है। उक्त अभियंताओं के कुल रिक्त पदों सहित विभाग में इनके रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई निम्नानुसार वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयनित किए गए कोटा भेज दे क्या माननीय सदस्य, या तो मैं कटाई जी को बोलूंगा अलग अलग बताएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयनित किए गए 312 सहायक अभियंताओं के दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा हाल ही में पूर्ण किया जाकर इनके पदस्थापन की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता के 386 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियंताओं के विभाग में 177 रिक्त पदों पर भर्ती अंतर्गत अब तक 173 कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति दी जाकर इनका पदस्थापन किया जा चुका है तथा शेष 4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाने की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं के 368 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 17/1/2022 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
उपरोक्तानुसार सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति दी जाकर वर्णित पदों रिक्त पदों सहित विभाग के इन अभियंताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके मार्फत पूछना चाहूँगा कि सुमेरपुर में सहायक अभियंताओं के कुल 8 पदों में से 8 के 8 पद रिक्त है। सब तथ्य आ गया, प्रश्न पूछो आप। तो वही पे आ रहा हूँ, कनिष्ठ अभियंताओं के। अरे आ चुका, बोलो आप प्रश्न पूछो भाई, ये तो बोल चुके सब। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इतने सारे पद सारे रिक्त है, अभी वर्तमान में पेयजल की गंभीर समस्या है, वहाँ पर कंटीजेंसी के प्लान भी बनाने हैं, हेडपंप ट्यूबवेल पूछना है, सुनना मेरे को, टैंकरों से पानी भी पहुँचाना है, अधिकारियों के बिना ये सारे संभव होंगे। प्लीज बैठे, मैं मंत्री जी, आप बैठे प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ये जो है प्रश्न को जवाब दिया, इसको तो आप भी 10 बार पढ़ोगे तो बराबर नहीं समझ पाओगे कि खाली कितने हैं। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सुमेरपुर विधानसभा है इसमें 16 पद में से 3 पद भरे हुए हैं, 13 खाली है जो आपने लिस्ट दी है, और पूरा पाली जिले में जो आप 42 पद बता रहे हो उसमें से केवल 10 ही भरे, 32 खाली हैं। पर प्रश्न को इस तरह से लिखा है कि आदमी 8 बार पढ़े तो भी समझ में नहीं आता कौन सा खाली है कौन सा भरा। पर ये जो पीछे का पेज है, क्या ये सच है? एक दूसरा ये है कि आपने कहा हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी 273 सब 100 और कितने 72 लोगों, इन 173 में से किसी को पाली जिले में कहीं लगाया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में पाली में 3 AEN और 7 JEN पोस्ट किए हैं, सुमेरपुर में 1 AEN की पोस्टिंग दी जा रही है। सुमेरपुर में हम JEN की पोस्टिंग में जल्दी 2 या 3 JEN बहुत शीघ्र हम उनको पोस्ट कर देंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, AEN नहीं है, JEN की पोस्ट खाली है, आपकी RPSC के सिलेक्शन हुए हैं, उस सिलेक्शन में से इनमें से जितना पद दे सके उतना पद दें जिससे वहां पर कम से कम योजना लागू हो सके, यही इनका उनका मेन प्रश्न है सुमेरपुर का और पाली का। उसमें अपन जो नई भर्ती कर रहे हैं उसमें प्राथमिकता देंगे कि नहीं देंगे, बात करते हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में हम समान रूप से एक दृष्टि से काम कर सकें। सुमेरपुर में मैंने निवेदन किया जो 3 AEN जो 7 JEN जो पोस्ट है, पूछा है, ये अभी हाल ही में भरी है हमने, राजस्थान नहीं पूछा है। मैं मंत्री जी को बोलने, आप पहली बार मंत्री बने, आप पुराने आदमी, बोलने दीजिए, आप बैठने बोलने दीजिए। बोला मंत्री, 3 AEN 7 JEN के लिए मैंने कहा पाली में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय को आश्वस्त करता हूँ कि अभी इस वक्त में मेरे पास नई पोस्टिंग का डाटा के बजाय पूरा डाटा है, लेकिन अगर ये अलग से चाहेंगे नई पोस्टिंग के हिसाब से वो भी मैं भिजवा दूंगा, और ये मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि पाली और सुमेरपुर को हम प्राथमिकता पर रखेंगे। अगला प्रश्न, श्रीमती संतोष। प्रश्न संख्या 215। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 2 KM डब्बर देसली 22 RJD 10 DOL व 6 ZWM में जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक की अवधि में विभाग द्वारा जिप्सम के अवैध खनन के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 2, सरकार द्वारा उक्त विधानसभा क्षेत्र में जिन जिन ग्राम पंचायतों में जिप्सम के परमिट एवं खनन पट्टा जारी किए हुए हैं, ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में आवंटित खनन पट्टे के आदेश की प्रति परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। खंड 3, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 52 के उपनियम 3 में खातेदारी भूमि में भूमि सुधार हेतु खनिज जिप्सम के परमिट दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं, संबंधित नियम की प्रति परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 12 से 16 में 4 हेक्टर से अधिक क्षेत्रफल की खातेदारी भूमि एवं अन्य सरकारी भूमियों में खनिज जिप्सम के खनन पट्टे नीलामी से
दिए जाने के प्रावधान है। नियम 12 से 16 की प्रतियां परिशिष्ट 5 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार नियम 17 ए के अंतर्गत 4 हेक्टर क्षेत्रफल तक की खातेदारी भूमि में खनन पट्टे संबंधित खातेदार अथवा खातेदार की पंजीकृत सम्मति धारक को दिए जाने के प्रावधान है, परंतु खनिज जिप्सम के संबंध में खातेदारी भूमि में नियम 52 के उपनियम 3 के अंतर्गत प्रत्यक्ष से परमिट दिए जाने का प्रावधान होने से राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 25/6/2018 से खातेदारी भूमि में जिप्सम के खनन पट्टे नहीं दिए जाने के निर्देश दिए हुए हैं। पत्र दिनांक 25/6/2018 की प्रति प्रशिष्ट 6 पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि राज्य सरकार द्वारा जिप्सम खनन के लिए ग्राम पंचायत 3/4 SM देसली 17 मुरबा रकवाराज 11/12 RJM 16 KWM और 19 KWM ग्राम पंचायत 2 KM डब्बर के 2 PM फुलेवाड़ा में मुरबा नंबर 168/15 168/16 168/48 की रकवाराज भूमि में अवैध खनन स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? और एक मेरा प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य RSMM द्वारा संचालित होता था, अब बंद होने के बाद वो खनन विभाग के पुराने क्वार्टर पड़े हैं जिसमें अवैध खनन के रूप में खनन माफिया उसी क्वार्टर पर कब्जा करके अपना अवैध खनन का धंधा वहां से वो चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनूपगढ़ गरसाना रावला तहसीलों का मुरब्बा 168/16 आदि का जो जिक्र माननीय विधायक जी ने किया है, निश्चित रूप से विभाग अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने की एक सतत प्रक्रिया है और बराबर करती है, जिसकी मैंने डिटेल मूल प्रश्न के उत्तर में भी दी। फिर भी जहाँ तक स्थानीय स्तर पर सूचना लीक और इसका जो विधायक जी की जो चिंता है वो वाजिब है, इसके लिए मैं विशेष विजिलेंस टीम भिजवाकर और इस पर और प्रभाव कार्रवाई करने का पूरा जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा, ये मैं आपके माध्यम से विधायक जी को आश्वस्त करता हूं। दूसरा, आपने RSMM की जो क्वार्टर्स का जो हवाला दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि RSMM ने वर्ष 93 से 2005-06 तक खनन कार्य किया था और वो कार्य पूरा होने के बाद में वो पट्टे सरेंडर कर दिए और सरेंडर किए जाने के बाद में कार्यालय भवन आवासीय भवन 2011 में तहसीलदार के माध्यम से ग्राम पंचायत रोजड़ी को सौंपे जा चुके हैं। अवैध यहाँ भी जो अवैध खनन का जो आपने जो जिक्र किया, मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि विशेष विजिलेंस टीम भेजकर इस पर भी सख्ती से कार्रवाई कराई जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक माननीय अध्यक्ष जी, कई शिकायतें आती है कि जैसे कई लोग वहाँ कुछ परमिट या पट्टे लेकर के खनन के लिए पट्टे लेते हैं, लेकिन खनन वो पास की जमीन पे करते हैं, और ऐसी शिकायत आने पर जब शिकायत की जाती है तो प्रशासन के द्वारा वहां से शिकायत भी लीक हो जाती है, तो इनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में ही आश्वस्त कर चुका कि विशेष विजिलेंस टीम भेजकर विशेष कार्रवाई करवाने के लिए मैं पूर्व में आश्वस्त कर चुका और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगला प्रश्न, शंकर सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 216। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश में वर्ष 2002 में BPL परिवारों का सर्वे करवाया गया। वर्ष 2002 के BPL सर्वे की सूची को वर्ष 2006 में लागू किया गया। इस सूची में द्विस्तरीय अपील के माध्यम से परिवारों के नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है, जिसकी अत्यंत सूची प्रभावी रहती है। परिशिष्ट पर संगलन है। खंड 2, जी हाँ, BPL सूची 2002 के ग्रामीण में शामिल होने से वंचित रहे परिवारों के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार BPL सेंसस 2002 की सूची ग्रामीण पात्र परिवारों को शामिल करने के हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है। इसके अनुसार प्रथम अपील संबंधित उपखंड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया द्वारा BPL सूची 2002 में परिवारों को जोड़ने हटाने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। परिशिष्ट व्यापार संगलन है। खंड 3, भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा BPL सर्वे में 2002 में करवाया गया। BPL सर्वे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार करवाया जाता है।
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया, 2003 में कोई सेंसस हुई नहीं, तो प्रश्न तो कोई सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं, तो पूछ लूं सर, 2002 की सेंसस हुई है। अध्यक्ष महोदय कभी पूछ, तो माननीय सदस्य कोई प्रश्न, अगला प्रश्न, मैं इसी से संबंधित प्रश्न, माननीय सदस्य 2003 में कोई सेंसस नहीं हुए, 2002 में लिखी है, तो मंत्री जी ने जवाब दे दिया, और काफी है। अगला प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है, आपका निवेदन प्रश्न को करेक्ट कर गए, सर इसी क्रियान्वयन नहीं हो रही है, इनमें कोई सेंसस नहीं हुए बेटा, आप इन्होंने जबरदस्ती उत्तर दिया, जी नहीं दे रहे सर, मैं कह रहा हूं सर रिकॉर्ड नहीं होगा, इसकी क्रियान्वयन नहीं हो रही है। प्रश्न बचे, मानसदास बोलने की आवश्यकता नहीं है, मानसदास इधर देखे, इधर देखे, प्रश्न 2003 का पूछा, 2003 में कोई सेंस में बैठे, आप बैठे प्लीज, मैं पढ़ लिया प्रश्न को, बैठे नीचे, माने अगला प्रश्न, सुरेश मोदी 217। माने अध्यक्ष महोदय पढ़ो प्रश्न को, ठीक जी हाँ, उचित मूल्य की दुकानों हेतु प्राप्त आवेदनों में से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा साक्षात्कार प्रक्रिया उपरांत अनुशंसित प्रकरणों में प्राधिकार पत्र जारी करने की कार्रवाई की जा चुकी है। खंड दो, जी हाँ, परिस्थिति जन्य रिक्त उचित मूल्य दुकान आवंटन एवं सतत प्रक्रिया है। विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक में नवीन आवेदन करने वालों को मौका देते हुए उक्त आवंटन प्रक्रिया में समय बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। आम उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा का सुलभ लाभ दिलवाने हेतु नवीन दुकानों का यथाशीघ्र आवंटन करने की कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि क्या ये कार्रवाई मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना में पूरी की जा चुकी है। दूसरा मेरा सवाल है, अगर नहीं की गई है तो कब तक कर दी जाएगी। एक सवाल मेरा और है, क्या जिन क्षेत्रों में अधिकार पत्र जारी नहीं हुए हैं उनमें और लोगों को अभी अवसर प्रदान करने हेतु और आवेदन लेने का सरकार विचार रखती है, पुराने को शामिल करते हैं। मंत्री जी, नीमका क्षेत्र सिक्कर डिस्ट्रिक्ट और नीमका थाना क्षेत्र, नीमका थाना में ये कार्रवाई की जाएगी। बीच में कार्रवाई की गई थी, उसको किसी कारण से रोक दिया गया था, आप बता देना, उसी डेट को कर दी जाएगी और दुकानें आवंटित हो जाएगी। आपका यदि कोई अच्छा सुझाव है, आप यदि चाहते हैं कि कोई जो वास्तव में डिजर्व करते हैं वो लोग रह गए हैं, और यदि आप चाहते हैं कि वापस वो प्रक्रिया अपनाई जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बता देना। अगला प्रश्न, मंजीत धर्मपाल, प्रश्न संख्या 218। खंड एक, आशा सहयोगनियों को समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की ओर से प्रतिमा नियत मानदेय राशि 2,970 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। मानदेय राशि का भुगतान शत प्रतिशत राज्य निधि से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य आधारित भुगतान परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाता है। कार्य आधारित भुगतान का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के लिए बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 20% मानदेय बढ़ाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसके तहत विभाग द्वारा मानदेय में 594 रुपए मासिक में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड दो, आशा सहयोगनियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। खंड तीन, कुक कम हेल्पर का कोई पद आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वीकृत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आशा सहयोगिनी को विभाग की ओर से प्रतिमा नियत मानदेय दिया जाता है, साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 51 एक्टिविटीज के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाता है। क्या कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सरकार परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वो वास्तव में बहुत सही है। इंसेंटिव जो हम लोग मानदेय दे रहे हैं वो 100% अंशदान राज्य सरकार का है, और इंसेंटिव जो राशि है वो भारत सरकार और राज्य सरकार की सामूहिक योजना है। इसमें भारत सरकार अगर पहल करेगी तो हम लोग करेंगे। वर्तमान जो स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी कि आज जो हम पैसा दे रहे हैं, हमारे विभाग द्वारा 60-40 का प्रतिशत भारत सरकार और राज्य सरकार का है, लेकिन ये जो मानदेय हम दे रहे हैं आशा सहयोगनियों को, इसमें 100% अंशदान राज्य सरकार का है। भारत सरकार इसमें हमें मानदेय के रूप में कोई पैसा नहीं दे रही है, और पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम मानदेय रेलेवेंट जो प्रश्न पूछा उसी का जवाब दो, इंसेंटिव बेस देना कि नहीं देना, दैट्स ऑल।
इंसेंटिव बेस देना चाहते हैं? इंसेंटिव पे माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार अगर इसको आगे बढ़ के करेगी तो राज्य सरकार इसके अंदर धन की कोई कमी नहीं आने देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन घोषणा पत्र के अनुसार की गई घोषणा के अनुसार सरकार ने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करेगी। क्या माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या जन घोषणा पत्र के अनुसार आप इनको नियमित करेंगे कि नहीं करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आशा का पद है वो पूरे भारत के अंदर आशा सहयोगनी राजस्थान के अंदर कार्य कर रहे हैं और ये मानदेय कर्मचारी हैं, इनको नियमित करने का तो सरकार के पास में अभी कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न अमृतलाल मीणा। प्रश्न संख्या 219। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक। जी हाँ, अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त अधिकांश सड़कों की मरम्मत कर दी गई है। विवरण परिशिष्ट एक पर प्रस्तुत है। शेष सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। खंड दो। विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर में पंचायत समिति सलुम्बर की 44, सरड़ा की 0, जयचंद की 35, सैमारी की 0, झलारा की 27, कुल 106 सड़कें अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी स्वीकृति जिला कलेक्टर, आपदा प्रबंधक, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर के पत्रांक D-120 दिनांक 2/2/2022 द्वारा प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट दो पर प्रस्तुत है। उक्त में से 35 सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया गया है। शेष सड़कों पर कार्य प्रगतिरत है, जो शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाएगा। सड़क वार विवरण परिशिष्ट तीन पर प्रस्तुत है। खंड तीन। जी हाँ, उक्त सड़कों का नवीनीकरण कराया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 106 सड़कें में से 35 हुई है, बाकी सड़कें शेष जो सड़कें हैं उनको कब तक पूर्ण किया जाएगा? मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको माननीय सदस्य को बताया कि अभी 2/2/2022 को द्वारा ये जो पत्र हमने जिला कलेक्टर ने लिखा है, शीघ्र हम इसी महीने के अंदर इन जो शेष सड़कें हैं आपकी, इनका मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न प्रताप सिंह। प्रश्न संख्या 220। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक। राज्य की कारागारों में निरुद्ध बंदियों में से मानसिक बीमारी व अन्य गंभीर असाध्य रोगों से कुल 443 बंदी पीड़ित हैं। राज्य की 30 कारागारों में 290 बंदी मानसिक रोग से पीड़ित हैं, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट ए पर उपलब्ध है। खंड दो। जी हाँ, राज्य की 6 केंद्रीय, 19 जिला एवं 31 उप कारागारों में दिनांक 31 जनवरी 2022 को बंदी क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध थे। विवरण परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जिन कैदियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है और वो असाध्य और संक्रामक रोगों से पीड़ित है, क्या सरकार उनको रिलीज करने का इरादा रखती है, उनको जेल से छोड़ने का इरादा रखती है? दूसरा मेरा ये निवेदन है कि प्रदेश के सभी सब जेल और सेंट्रल जेलों में कितने कैदी ऐसे थे जो कोरोना से पीड़ित हुए और रेलेवेंट प्रश्न। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग कोरोना से 2 वर्षों में 13 कैदी की डेथ हुई है और माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो बंदी हैं उनको गंभीर बीमारी है, तो इसके लिए हर वर्ष गवर्नमेंट ऐलान करती है कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या कोई अलग अलग प्रकार के जो है उनको रिलीफ देती है, उसी आधार पे हम छोड़ते हैं। बाकी इसी पर कोई ऐसा कानून नहीं है कि 60 वर्ष से अधिक होने पर और बीमार होने पर उनको छोड़ा जा सके। क्या प्रदेश की सब जेलों में और सेंट्रल जेलों में जितनी कैपेसिटी से अधिक कैदी वहाँ पर रहते हैं या आपने उनको बंद किया हुआ है, उनकी संख्या को देखते हुए क्या आप नए सब कैदियों का पूछ रहे हो, मानसिक और असाध्य का ही पूछ रहे हो? दोनों का ही पूछा है सर। ये बहुत अलग प्रश्न हो जाएगा। बैठे आप, बताऊं अशोक लाहौटी। बैठे मंत्री जी,
अशोक लावटी प्रश्न नंबर 221। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, रीको सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के विकास विस्तार हेतु ग्राम सुखपुर, चतरवाला, दहलावास, शोपुर एवं खूसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की निजी खातेदारी भूमि दो चरणों में आवाप्त की गई थी। प्रथम चरण में आवाप्त भूमि का अवार्ड 20/3/1995 को, द्वितीय चरण की भूमि का अवार्ड 21/7/1997 को जारी किया गया। उक्त आवाप भूमि का मुआवजा भुगतान अवार्ड में निर्धारित राशि अनुसार किया गया। आवाप्त भूमि में ग्राम शोपुर की जो भूमि सम्मिलित थी उसका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड दो, जी हाँ, खंड एक में वर्णित आवाप्त भूमि में से खसरा नंबर 993 का संपूर्ण रकबा 0-03 बीघा एवं खसरा नंबर 994 का संपूर्ण रकबा 02-02 बीघा कुल 0205 बीघा भूमि मुक्त करने की अनुशंसा रीको लिमिटेड द्वारा दिनांक 3/11/97 को की गई। इस आधार पर 02-05 बीघा भूमि को छोड़ते हुए खंड 01 में वर्णित शेष भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया तथा यह वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में रीको के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 1701, 1702, 1703, 1760, 1708, 1709, 1701 एवं 1711 की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा के ले आउट प्लान में सर्विसेज क्षेत्र तथा सड़क हेतु नियोजित की गई है। सड़क में आने वाली भूमि को छोड़कर सर्विसेज हेतु नियोजित भूमि समीपस्थ स्थित अन्य खातेदारों की निजी भूमि से लगी हुई होने के कारण तथा मौके पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर आधार पर सीमांकन करने हेतु राजस्व अधिकारियों को लिखा गया था, लेकिन पास में आबादी भूमि होने के कारण सीमा ज्ञान DGPS मशीन से करवाने हेतु कहा गया। इसके उपरांत भू प्रबंधन अधिकारी जयपुर को सीमा ज्ञान हेतु लिखा गया। सीमा ज्ञान शुल्क की राशि ₹10,000 दिनांक 12/1/2022 को जमा करा दी गई है। सीमा ज्ञान के उपरांत मौके पर रीको की भूमि डीमार्केट कर लेआउट प्लान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें आपने ये कहा है कि खसरा नंबर 1994 का मुआवजा शेष होने के कारण उस पर अभी उसका मुआवजा रीको ने दिया नहीं है, इसलिए जबकि रीको के ही वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक ने 9/9/2019 को नगर निगम को पत्र लिखकर ये कहा है कि नगर निगम द्वारा सड़क की आड़ में भू माफियाओं को कब्जा करवाया जा रहा है और ये रीको की जमीन है, तो ये इसको रीको की जमीन इसके एक अधिकारी मान रहे हैं और मंत्री जी को जो जवाब दिलाया है वो गलत दिलवाया है, नंबर एक। तो और तीसरा, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि इसका 1997 में मुआवजा जमा हो गया जिसके पेपर मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये भी लिखा है कि इसमें 150 कोठरी बनाकर 6,00,000 रुपये प्रतिमा भू माफियाओं के द्वारा किराया वसूला जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच करवा कर क्या रीको इसको जल्द से जल्द खाली करवाने की मंशा रखती है, एक। और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम महोदय ने खुद ने अभी जो पढ़ा उसमें परिशिष्ट दो में जो इन्होंने खसरा नंबर 1994 लिखे 900 उसमें एक जगह लिखा है कि ये 03 बीघा खसरा, दो बीघा का खसरा है, एक जगह लिखा है, तो ये कौन सा सही है? इसके जवाब के दो नाप लिखे हुए हैं, तो मंत्री महोदय इसको तो यदि भी मिस्टेक हो तो ठीक करवाएं। और ये जो रीको की जमीन है इस पर माफिया जो कब्जा करे इसको कब तक खाली करवा लेंगे? और इसका मुआवजा जमा है वो पेपर भी मैं दूंगा, और जो रीको के अधिकारी ने लिखा है वो सही है या आप जो कह रहे हैं वो सही है? प्रश्न पूछे प्लीज। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त हुई, शिकायत प्राप्त होने के बाद में जैसे 5/9/2019 को शिकायत प्राप्त हुई, उसके तुरंत बाद में 6/9/2019 को हमने शिकायत दर्ज कराई,
उसके बाद में आप पूछ रहे हैं कि ये जो दिया गया है इसमें ये बिसुआ जीरो के बाद में और पहले का बीघा बोला जाता है, जो आपको ये 993 और 94 की जो थी वो जांच करा के आपको सही करा के भेज दिया गया था, और नहीं है तो दूसरी कॉपी मैं उपलब्ध करा दूंगी। शिकायत होने के बाद में जैसे ही डे टू डे हमने वहां पर जो 10,000 रुपये फीस जमा होती है वो करवा दी है, और जाँच होते ही उसका जैसे ही सीमा ज्ञान होता हो जाएगा, सीमा ज्ञान के तुरंत बाद जिन रकमों की हमने जैसे अवार्ड अवाप्त कर लिया है और उनको पैसा भी दे दिया गया है, मुआवजा दे दिया गया है, उन रकमों को खाली कराने का, क्योंकि वहां पर एक मंदिर भी है, तो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि किसी तरीके का कोई स्टे आदि तो नहीं है, और उनको खाली करवाए जाने का तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे। मैंने केवल स्पेसिफिक कहा है कि रिको के अधिकारी ने माना है कि ये खसरा रिको का है और नगर निगम का पत्र आप समझा गए, और मंत्री जी कह रहे हैं कि हम अब इसका सीमा ज्ञान करवा रहे हैं अभी और अभी पैसे जमा कराएं, तो सवाल कौन सा सही है, ये पत्र जो लिखा हुआ है वो सही है या जो आप ये आबादी भूमि से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर मंदिर भी है, जो 93 और 94 को जो आवाप्त किया गया था, जिसका अवार्ड हमने दे दिया गया है, वो उसमें सम्मिलित आ रहा है, वहां पर कुछ ये मंदिर का हिस्सा भी आ रहा है और आबादी भूमि का भी आ रहा है। माननीय मंत्री जी उनका प्रश्न नहीं है, उनका प्रश्न है कि रिको का अधिकारी कह रहा है ये और आप कह रहे हैं उसमें कोई अंतर है, उसको स्पष्ट कर दें बस। अगर ऐसा इसमें कुछ डिफरेंस पाया गया तो उसकी जांच करवा ली जाएगी तुरंत प्रभाव से। अगला प्रश्न प्रताप लाल बील। अगला प्रश्न श्री राम प्रताप कसनिया। प्रश्न संख्या 223। जी नहीं, होमगार्ड अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन के रूप में होमगार्ड का गठन किया गया है। राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 के अंतर्गत गृह रक्षा स्वयं सेवक एक होमगार्ड को 5 वर्ष के लिए नामांकन किया जाकर सदस्यता प्रदान की जाती है। 2500 स्वयं सेवकों को नामांकन हेतु दिनांक 4 मार्च 2020 को विज्ञप्ति जारी कर वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्रों एवं सीमा गृह रक्षा दल की बटालियन में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है एवं जयपुर के केंद्र की नामांकन प्रक्रिया अधीन है, परिशिष्ट ए पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, पूरा पढ़ लिया आपने मंत्री जी? मैं आपके माध्यम से बैठो, तीन पार्ट है माननीय मंत्री जी। श्री गंगानगर जिले में गृह रक्षा विभाग की 2 इकाइयां स्थापित हैं, नंबर 1 सीमा गृह रक्षा दल, नंबर 2 गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र। सीमा गृह रक्षा दल की श्री गंगानगर वर्तमान में सीमा गृह रक्षा दल में स्वयं सेवक की स्वीकृत नफरी 666, मौजूदा नफरी 583 है एवं 468 स्वयं सेवक नियोजित हैं। मानदेय वर्तमान में अस्थायी होमगार्ड स्वयं सेवक को नियमानुसार मानदेय दे, नंबर 1 प्लाटून सार्जेंट कारपोरल 908 प्रति दिवस, नंबर 2 लॉन्स कारपोल गार्ड्समैन 795 प्रति दिवस, नंबर 2 गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र श्री गंगानगर वर्तमान में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र श्री गंगानगर में स्वीकृत नफरी 730, मौजूदा नफरी 632 तथा माह फरवरी 2022 में 330 स्वयं सेवक नियोजित हैं। मानदेय वर्तमान में होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के सम्मान ड्यूटी करने व वाहन चालन का कार्य करने पर ₹693 दैनिक ड्यूटी भत्ता एवं इनके अतिरिक्त अन्य ड्यूटी हेतु ₹590 प्रति दिवस की दर से दैनिक ड्यूटी भत्ता दे है। श्री गंगानगर जिले में गृह रक्षा दल व गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र में मौजूदा होमगार्ड नफरी का विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। क्या जी नहीं, होमगार्ड अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन के रूप में होमगार्ड का गठन किया गया है। राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 के अंतर्गत गृह रक्षा
रक्षा स्वयंसेवक होमगार्ड को 5 वर्ष के लिए नामांकन किया जाकर सदस्यता प्रदान की जाती है। इस नियमों में होमगार्ड स्वयंसेवकों को अस्थायी नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को, जैसे अस्पताल, कृषि उपज मंडी, अन्य जो संस्थाएं हैं, क्या सरकार होमगार्ड को इनमें रखने का विचार रखती है क्या? और अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से ये भी जानना चाहूंगा, मैंने प्रश्न जो पूछा उसी की सप्लीमेंट्री, दूसरी नहीं। स्थाई के बारे में तो कह दिया, फिर बस खत्म हो गया मामला। सरकार होमगार्ड के वेतन वृद्धि रखती है क्या? बस ठीक है, गुड। जी नहीं, अभी विचार नहीं है। अगला प्रश्न, बलजीत यादव। प्रश्न संख्या 224। अध्यक्ष महोदय, खंड एक, जी नहीं प्रश्न में उल्लिखित पत्र क्रमांक 32B49 /L/15/16/576 दिनांक 7/4/2015 से आबकारी आयुक्त उदयपुर द्वारा राज्य में नई आबकारी उत्पादन इकाइयां, डिस्टिलरी, वेवरी, बोटलिंग प्लांट अन्य की स्थापना हेतु नीति निर्देश संकलित की जाकर प्रारूप की सूचना संलग्न प्रेषित की गई है। पत्र की प्रति परिशिष्ट एक पर संलग्न है। मंत्रिमंडल आज्ञा संख्या 108/2015 दिनांक 24/5/2015 के अनुसरण में राज्य में आबकारी उत्पादन औद्योगिक इकाइयों, डिस्टिलरी, वेवरी, बोटलिंग प्लांट के स्थान चयन एवं स्थापित करने हेतु वित्त आबकारी विभाग के पत्र क्रमांक 523 वित्त आबकारी 2015 दिनांक 27/5/2015 द्वारा नीति निर्धारित की गई है। पत्र की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। मंत्रिमंडल आज्ञा संख्या D160 मंत्रिमंडल 2021 दिनांक 20/12/2021 के अनुसरण में उपरोक्त नीति के बिंदु संख्या 2 व 3 को विलोपित किया जाकर स्पष्ट किया गया है कि राज्य में प्रत्येक भू जल सुरक्षित क्षेत्र में डिस्टिलरी, वेवरी, बोटलिंग प्लांट स्थापित की जा सकेगी। पत्र की प्रति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। उपरोक्त नीति के बिंदु संख्या 6 के अनुसार भूजल की दृष्टि से सेफ ब्लॉक्स के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर डिस्टिलरी, वेवरी, बोटलिंग प्लांट्स स्थापित करने पर कतई विचार नहीं किया जाएगा। इस नीति में पूर्व की अनुज्ञापित इकाइयों के विस्तार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दिनांक 27/5/2015 के आदेश के उपरांत राज्य में भूजल की दृष्टि से डार्क जोन में कोई नई डिस्टिलरी व बेवरेज यूनिट नहीं लगाई गई है। खंड 2 उत्तर बिंदु संख्या 1 के उत्तर में समाहित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, आपने जवाब में दिया कि 27/5/2015 के बाद डार्क जोन में कहीं भी मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ कि ये जो बोटलिंग प्लांट है नहीं लगाए जाएंगे, यानी कि पानी को, प्रश्न पूछे उत्तर नहीं, प्रश्न नहीं पूछो, पानी की कमी को देखते हुए ये रोक लगाई गई थी, ये जानना चाहता हूं। अगर वास्तव में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि डार्क जोन में, प्रश्न पूछे मान सदस्य, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, प्रश्न नहीं पूछ रहे, एक्सप्लेन करें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या ये ध्यान में रख के डार्क जोन में बैन की गई थी वहां बियर की फैक्ट्री? अगर हाँ तो फिर ये यूबी ग्रुप की फैक्ट्री का नीमराणा में डार्क जोन में विस्तार कर दिया, दूसरा प्लॉट लेके वो क्यों? अगर आपने इसमें कहा है कि इसमें कोई दर्शाया नहीं, मतलब स्पष्ट नहीं था विस्तार का, तो मैं कह रहा हूं कि जब उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, पानी का दोहन बढ़ा दिया, उसको विस्तार कर दिया, तो फिर पानी का तो दोहन बढ़ रहा है, फिर उस आदेश का तो उल्लंघन है साफ साफ, लेकिन इसमें गोलमाल जवाब है। अच्छा, प्रश्न पूछे आप, मैं ये जानना चाहता हूं कि उसका जो विस्तार हुआ वो नियम विरुद्ध हुआ, और नियम विरुद्ध हुआ तो उसको कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने प्रश्न के जवाब में कहा, कहीं भी डार्क जोन में हमने कोई एनओसी या कोई बोटलिंग प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दी है। सिर्फ अभी 2015 की जो पॉलिसी थी उसमें से बिंदु संख्या 2 और 3 को विलोपित करके हमने सेफ जोन
जहाँ भी सेफ जोन है, सेफ जोन की सूची हमें जल शासन विभाग से मिली है, उसी में हम परमिशन देंगे। निश्चित रूप से डार्क जोन में एक भी इकाई का ना हमने विस्तार किया है, ना वहाँ पर कोई लगाने की अनुमति दी है। यूबी ग्रुप नीमरा अणा के साजापुर में विस्तार हुआ है, आप चेक करवा लें। आप उसके बारे में जवाब दें, आप चेक करवा लें। आप हो गया प्रश्न ना, प्लीज आज मंत्री बोला नहीं हो रहा था, आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय कहीं भी सुन ले उत्तर सुने। सदस्य को आपके माध्यम से माननीय सदस्य को फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो ये 2021-20 में जो मंत्रिमंडल की आज्ञा थी उसके बाद सेफ जोन में सिर्फ घाटोल, शाहबाद, आसपुर और भादरा में ही परमिशन दी है, बाकी कहीं भी हमने परमिशन आज तक नहीं दी। अगले आपने श्रीमती अनिता बदेल, प्लीज बेटे आप प्लीज बेटे नोट नोट अलाउड माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक, वर्तमान में प्रदेश में कुल 3,222 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 10.61 लाख गोवंश संधारित हैं, जिलेवार विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है। खंड दो, जी हां, गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दो चरणों में 90-90 दिवसों हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण के लिए वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु ₹40, छोटे गोवंश हेतु ₹20 प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से दिए जाने का प्रावधान है। गोवंशों गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण हेतु वर्तमान सरकार द्वारा पूर्ण में दी जा रही सहायता राशि की दरों में वृद्धि की गई। बड़े गोवंश हेतु 32 के स्थान पर ₹40 एवं छोटे गोवंश हेतु राशि ₹16 के स्थान पर राशि ₹20 प्रति गोवंश कर दिया गया है। अनुदान राशि में अभिवृद्धि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जो परीक्षणाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहूंगी कि जो आपने प्रश्न के खंड ए में जो जवाब दिया है कि पंजीकृत गौशालाएं 3,222 हैं, तो क्या पंजीकृत गौशालाएं जो 3,222 हैं उनमें सभी पंजीकृत गौशालाओं को आप ये अनुदान राशि देते हैं क्या? एक प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार पंजीकृत गौशालाओं में को दी जाने वाली जो अनुदान राशि 90 दिन की उसको बढ़ा करके 365 दिन करने का विचार रखते हैं क्या? और तीसरा प्रश्न बहुत सिंपल सा साधारण सा आम भाषा का है कि गायों को जो आप हरा चारा खिलाते हैं जिसको रंजका कहते हैं, उस रंजके की एक पुड़ी का बाजार मूल्य कितना है ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो जानकारी चाही, कुल गौशालाएं 3,222 हैं, इसमें से गोवंश 10,61,000 जिसमें बड़ा 8,23,000 और छोटा 2,38,000 है। इसमें जो अनुदान दिया जा रहा है वो पात्र गौशालाएं 2,121 जिसमें 9,93,000 गोवंश हैं और अपात्र गौशालाएं 1,101 हैं। साथ ही दूसरा जो आपने जानकारी चाही अनुदान बढ़ाने की, मान्य अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी गोवंश के प्रति पूर्ण समर्पित हैं और मैं बता रहा हूं ना जवाब आपको, आपकी ने जो पूछा वही बता रहा हूं। आपने पूछा कि साहब 365 दिन का अनुदान करोगे, तो मैं पूरी बात तो बताऊ ना। सरकार बनते ही मार्च 2019 में मुख्यमंत्री जी ने संत सम्मेलन आयोजित करके अनुदान बढ़ाया, उनकी भावना के अनुरूप छोटे पशु पे जो पहले ₹16 था उसको बढ़ाकर ₹20 किया और बड़े को 32 से बढ़ाकर ₹40 किया। अभी जो नई पंचायत समिति नंदी गौशाला योजना लागू की है उसमें जिस दिन से नंदी गौशाला शुरू होगी उस दिन से 9 महीने का अनुदान देने का प्रोविजन उसमें किया है। जहाँ तक आपने जो जानकारी चाहिए कि 365 दिन करने का, इस बारे में कई माननीय विधायकगण और कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों के ज्ञापन आए हैं, उनका परीक्षण किया जा रहा है,
संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्णय किया जाएगा। अगला प्रश्न श्री गोपाल लाल मीणा। तीसरे प्रश्न का जवाब ना, तीसरे प्रश्न का जवाब बाजार से लेना। गोपाल लाल मीणा, आप तो मान बड़े बड़े प्लीज, आप बड़े प्लीज, मान बड़े 40 का अनुदान है, रिकॉर्ड नहीं होगा। गोपाल लाल मीणा, प्रश्न संख्या 226। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक, जी हाँ, सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से जयपुर जिले हेतु तय जल आरक्षण के अनुरूप इस बांध आधारित परियोजना योजनाओं से विधानसभा क्षेत्र बस्सी एवं चाकसू के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित कस्बे एवं ग्रामों तथा विधानसभा क्षेत्र बगरू के पेयजल आपूर्ति से वंचित क्षेत्रों में की जा रही पेयजल आपूर्ति के संबंध में वांछित पूर्ण विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए एवं परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड दो, जी नहीं, भारत सरकार के समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र के दिनांक 2/3/2022 की स्थिति के अनुसार विधानसभा क्षेत्र जम्बा रामगढ़ के किसी भी ग्राम एवं ढाणी के स्थानीय भूजल में फ्लोराइड एवं TDS यानी खारेपन की मात्रा पेयजल हेतु निर्धारित मानकों से अधिक नहीं है। सतही जल स्रोत बिसलपुर बांध में पेयजल आपूर्ति हेतु तय आरक्षण के अनुरूप जयपुर, टोंक एवं अजमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं की जा रही हैं। उक्त बांध में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस बांध से जम्वा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जाना वर्तमान परिपेक्ष में विचाराधीन नहीं है। दिनांक 24 फरवरी 2021 को प्रस्तुत बजट भाषण में ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, कोटपुतली, चौमू, जम्वा रामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बे एवं 1394 गांव व अलवर जिले की उमरेन, रैनी, बांसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठुमर एवं लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के 4 कस्बों एवं 1061 गांवों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु DPR बनाए जाने बाबत घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा के अनुपालना में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति SLSCC की 24वीं बैठक दिनांक 26/5/2021 द्वारा DPR तैयार करने के कार्य हेतु राशि ₹1.02 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर चयनित सलाहकार फर्म द्वारा DPR तैयार करने का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। DPR तैयार होने पर इसके तकनीकी परीक्षण उपरांत परियोजना स्वीकृत की जाकर इसका क्रियान्वयन प्रारंभ करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ईसरदा बांध के लिए उनकी रिप्लाई में घोषणा की थी कि जमारामगढ़ में ईसरदा बांध से पानी लाया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि ईसरदा बांध परियोजना में जमारामगढ़ को फेज प्रथम में शामिल करने का विचार रखते हैं, तो यदि हाँ तो कब तक, और इसकी DPR बना के मुझे आश्वस्त करें कि प्रथम चरण के लिए आपने कल भी भाषण में घोषणा की थी। प्रश्न पूछे हैं, मैं यही चाह रहा हूं कि प्रथम चरण में इसको पानी लाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूं तो ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले के, जैसा मैंने बताया, जो शामिल हैं तहसीलें उसमें जम्वा रामगढ़ भी है, लेकिन माननीय विधायक महोदय का बहुत विशेष आग्रह है कि इसको किसी भी प्रकार से प्रथम फेज में अगर हम कर सकते हैं तो उसका करने का माननीय विधायक का बड़ा आग्रह है। मैं कोई वादा तो नहीं करता, लेकिन माननीय विधायक महोदय की भावनाओं को देखते हुए मैंने अपने इंजीनियर से कहा है कि अगर कुछ भी एक छोटा हिस्सा भी अगर प्रथम फेज में इसका जोड़ा जा सके जम्वा रामगढ़ का, तो इस बात का प्रयास करें। मैं ईमानदारी से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर व्यवहारिक रूप से संभव हुआ तो हम कुछ न कुछ हिस्सा उसका जोड़ने की, चाहे 1 गांव, 2 गांव, 5 गांव, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। बस आश्वस्त दे दिए, इसके लिए धन्यवाद। मैडम, अगला प्रश्न जबर सिंह जागला, उत्तर। प्रश्न संख्या 227। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है, मैं सीधा मंत्री से सवाल करूंगा। एक मिनट मंत्री से पूछ ले। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि
पेयजल जैसी ऐसी अति आवश्यक सेवा में इतना लंबा समय लगने का क्या कारण रहा। दूसरा, मैं जानना चाहूँगा कि जैसा आपने परिशिष्ट उत्तर के परिशिष्ट वन पर आपने दर्शाया है कि अभी 3 मार्च को इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आसिन नगर पालिका के लोगों को इन नवीन टंकियों का पानी आप कब तक पिला देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी की चिंता वाजिब है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि गत 2 वर्ष में पेयजल क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी काफ़ी स्वीकृतियाँ जारी हुई। एक कार्य की स्वीकृति DMFT में भी हो जाए और जल जीवन मिशन में भी हो जाए, इस स्थिति के कारण विलंब हुआ। मैंने आज सुबह इस बारे में संबंधित जिला कलेक्टर जी भीलवाड़ा से बात की। उन्होंने बताया कि मैंने अभी 1.5 माह पहले ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते ही मैंने 3 मार्च को इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। फिर भी मैंने जिला कलेक्टर जी भीलवाड़ा को पेयजल जैसे आवश्यक कार्यों में विलंब न हो इसके बात का ध्यान रखने हेतु कहा है। साथ ही जो आपने दूसरा प्रश्न चाहा कि अध्यक्ष जी, मैं सदस्य जी की भावना से सहमत हूँ, पेयजल का ये कार्य जल्दी हो इसके लिए मैं स्वयं व्यक्ति से पत्र लिखकर माननीय जलदाय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री जबर सिंह सांकला 58 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसिन हुडा में बद्दौर में तहसील पाटन अथवा संग्रामगढ़ में से किसी एक ग्राम पंचायत में उप तहसील बनाए जाने के संबंध में। श्री नारायण सिंह देवल 79 सदस्य की ओर से जालौर जिले की सभी प्रमुख सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं कराए जाने के संबंध में। श्री छगन सिंह 55 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर में पुलिया एवं रपट का कार्य प्रारंभ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अमेर सिंह बायल 193 सदस्य की ओर से ओलावृष्टि से जीरे की नष्ट हुई फसलों का किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री फूल सिंह मीणा 96 सदस्य की ओर से सामान्य जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पत्ते दिए जाने के संबंध में। श्री अमृतलाल मीणा 8 सदस्य की ओर से दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रामलाल शर्मा 148 सदस्य की ओर से जयपुर जिले में चारे के भावों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री राजकुमार रूत 135 सदस्य की ओर से परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा डूंगरपुर जिले के स्थानीय निवासियों से की जा रही अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी 112 सदस्य की ओर से आबू रोड में कार्यरत RPF उप निरीक्षक की संदिग्ध हालत में हुई मृत्यु की CID CB से जांच करवाए जाने के संबंध में। श्री कुशवीर सिंह 34 सदस्य की ओर से पाली जिले के अधिकांश क्षेत्र में 8322 को हुई भारी ओलावृष्टि में फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में। श्री गोपीचंद मीणा जाजपुर 48 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जाजपुर एवं संपूर्ण मेवाड़ व हाड़ोती क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में। श्री अविनाश डबलवन सदस्य की ओर से विधानसभा जेतारन में दिनांक 8/3/22 को अत्यधिक बारिश में रबी की फसलें जीरा राजड़ा इसबगुल व चना आदि फसलों को हुई भारी नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री वासुदेव देवनानी 159 सदस्य की ओर से अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों को के जो नुकसान हुआ है उसके संबंध में राज्य सरकार 4 बजे स्टेटमेंट देगी। उसमें माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए लाऊंगे। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ। विधानसभा क्षेत्र के मेहता सिटी से जसनगर तक संपूर्ण सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण राजमार्ग पर स्थित समदोलाव टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद करवाए जाने के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती इंदिरा देवी 18 को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री रामलाल मीणा 142 सदस्य की ओर से मीणा जनजाति समुदाय को प्रदत्त आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं में कमी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री शंकर सिंह रावत 166 सदस्य की ओर से ब्यावर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु नवीन थानों एवं सर्कल के गठन के संबंध में। श्री जक्षीराम 57 सदस्य की ओर से आबू रोड पिंडवाड़ा क्षेत्र में जनजाति BPL किसान परिवारों को अपने कुएं गहरे कराने हेतु 100% अनुदान आर्थिक सहायता योजना को पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में। श्री राम प्रताप कासनिया 144 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के चक 5
आरएम रघुनाथपुरा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित तक के जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती संतोष वंश मंत्री सदस्य की ओर से अनूपगढ़ में 27A व रावला से 365 हेड और रावला से रोजीड तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाए जाने के संबंध में श्री संजय शर्मा 172 सदस्य की ओर से अलवर जिले के पेयजल के अभाव वाले गाँव में जल जीवन मिशन